अच्छा, स्पूलिंग और बफरिंग ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये देख लीजिएगा। स्पूलिंग किसे कहते हैं? अ लार्जर बफर फ्रॉम द हार्ड डिस्क, बफर स्टोर द डेटा थ्रू आईओ ऑपरेशंस, बिकॉज आईओ ऑपरेशन इज स्लो एंड सीपीयू ऑपरेशन इज फास्ट। तो होता है क्या है कि सीपीयू तो बहुत तेजी से काम कर रहा होता है, लेकिन आईओ इतनी तेजी से साथ काम नहीं कर रहा होता। आईओ का मतलब क्या है कि इनपुट आउटपुट डेटा। तो रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली है, बिल्कुल। तो इनपुट आउटपुट डेटा, तो इनपुट आउटपुट डेटा पे जो काम हो रहा होता है वो आईओ ऑपरेशंस कहलाते हैं, और वो जाहिर है रिलेटिवली स्लो होते हैं, और जाहिर है बड़ा बफर जो है वो यूज हो रहा होता है हार्ड डिस्क के लिए। तो होता है क्या है कि एक के बाद दूसरे जो है जॉब्स आती रहती हैं, और उमामा नजीर आ रही रिक्वेस्ट, एडमिट कर लें। यस सर, अमन। यस सर। मोहम्मद फैजान भी आ रहा है। यस सर, हमारी क्लास। अच्छा, तो स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट देखें, होता क्या है कि एक जो है वो आपके हार्ड डिस्क के अंदर क्यू बन जाती है, ठीक है, हार्ड डिस्क में क्यू बन जाती है जिसके अंदर सारी सारी जॉब्स आ रही होती है वन बाय वन। तो माइक आपको सारे कोई भी नहीं म्यूट आता। कर दें आप लोग, और जिसको क्वेश्चन हो जिससे वही क्वेश्चन करें। मैंने माइक अभी अनम्यूट का ऑप्शन रखा हुआ है, मतलब आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने एंड पे क्वेश्चन करके। तो अच्छा, यहाँ देखिए होता क्या है कि मल्टीपल जो है जॉब्स एक साथ, मल्टीपल जॉब्स आई, उन सारी जॉब्स को ना क्यू क्यू के अंदर स्टोर कर लिया है, क्यू के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। तो होगा क्या कि जाहिर है सारी जॉब एक साथ ही चलती है, वो वन बाय वन एक एक जॉब को चलाता है, फिर पहले इस जॉब को चलाएगा, फिर इस जॉब को चलाएगा, फिर इस जॉब को चलाएगा, सीपीयू वन बाय वन एक एक जॉब को चलाएगा। और कब चलाएगा? जब सीपीयू के अंदर आईओ रिक्वेस्ट आएगी। आईओ का मतलब क्या है? कोई इंटरप्ट आ गया, ठीक है, माउस क्लिक हुआ, कोई काम कर रहा था, ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म कर रहा था, उससे रुकेगा सीपीयू और आईओ रिक्वेस्ट की तरफ जाएगा। तो सीपीयू बहुत होता क्या है, सीपीयू बहुत मरतबा ऐसा होता है कि सीपीयू बहुत सारी टाइम जो है फारिग रहता है। जब सीपीयू फारिग रहता है तो वो इन प्रोसेस को चलाना शुरू कर देता है वन बाय वन करके, जो क्यू के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो उसको कहते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग के अंदर होता है क्या है कि वन बाय वन सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, वो सारे ऑपरेशन जो के क्यू के अंदर मौजूद है, जो क्यू के अंदर सारे ऑपरेशन मौजूद हैं वो वन बाय वन सारे परफॉर्म होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्पूलिंग। तो अच्छा, स्पूलिंग हम इसलिए यूज करते हैं, आप देखो प्रिंटर है ना, अब प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक नॉन शेयरेबल डिवाइस होती है, यानी कि एक वक्त में एक ही का प्रिंटआउट निकलेगा ना, सबका प्रिंटआउट तो एक वक्त में निकल नहीं सकता। लेकिन आप देखो लैब के अंदर होता क्या है कि सब प्रिंटर को प्रिंटआउट भेज रहे होते हैं, तो प्रिंटर करता क्या है कि वो प्रिंटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रिंटर के साथ लगा है वो करता ये है कि ना सबको स्टोर कर, सबका क्यू बना लेता है, और एक एक करके उस क्यू में से जॉब को जो है प्रिंटर के लिए जॉब जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। तो सबका प्रिंटआउट वन बाय वन फर्स्ट कम फर्स्ट सेफ, सब फर्स्ट सर्व के ऊपर जो पहले आया है उसका पहले प्रिंटआउट निकलेगा, जो बाद में आया उसका बाद में प्रिंटआउट निकलेगा, लेकिन सारे स्टोर एक एक फाइल में सब स्टोर हो जाते हैं, उसको कहते हैं बफरिंग हो रही है, लेकिन सारी जॉब्स एक क्यू में स्टोर हो जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है स्पूलिंग। तो स्पूलिंग के जरिए से, और ये स्पूलिंग का बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि सीपीयू काफी वक्त जो है वो फारिग होता है, तो सीपीयू जिस वक्त फारिग होता है वो यही काम कर रहा होता है कि स्पूलिंग का काम करता है, यानी कि जो क्यू में जॉब मौजूद है उनको एक एक करके सबको एग्जीक्यूट करता है, उसको कहते हैं स्पूलिंग। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है बफरिंग का, बफरिंग समझ में नहीं आया। स्पूलिंग इसका कहते हैं, स्पूलिंग ये चीज है कि सीपीयू जो है ना हार्ड डिस्क के ऊपर एक बफर बन जाता है, बफर का मतलब है स्टोरेज प्लेस बन जाती है, और मुख्तलिफ जॉब्स आ रही होती है कि भाई ये हर मतलब जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर के पास तो सबका प्रिंट आउट आ रहा है ना सब, लेकिन वो सबका प्रिंट आउट एक ही वक्त में तो नहीं निकलता, सबका प्रिंट आउट अपने अपने वक्त में निकलता है, तो सबको जो है ना वो क्यू कर देता है हार्ड डिस्क के ऊपर, सबको स्टोर कर देता है कि कौन सा कौन सी रिक्वेस्ट पहले आई है, कौन सी रिक्वेस्ट बाद में आई है, तो वो सबका जो एक तरह से क्यू बन जाती है और एक एक करके सबकी रिक्वेस्ट चलती है। तो इसको कहते हैं स्पूलिंग, के जितने भी
ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनकी क्यू बना दी जाती है और एक एक करके सबको चलाया जाता है। और ये काम सीपीयू जब करता है, जब सीपीयू जो है, सीपीयू के पास बहुत सारा ऐसा आइडल टाइम होता है, फारिक टाइम होता है, जिसके अंदर वो ये काम कर सकता है, सर अंजाम दे सकता है। इकराम अब्दुल्ला आना चाह रहे हैं। यस सर, इन कर। शामीर भी आना चाह रहे हैं, एडमिट कर लेते हैं उसको। यस सर। इकराम अब्दुल्ला डबल वन सर हमारे क्लास। तो ये था स्पूलिंग। स्पूलिंग समझ में आ गया? अच्छा, साकिब आए, साकिब, साकिब अली 1003। यस सर हमारे क्लास। बफरिंग, अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया बफर्स टू रीड डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस और सेंड डेटा टू द आउटपुट डिवाइस। तो होता क्या है कि बफरिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। बफरिंग का मतलब क्या है? बफरिंग जो है ना, वो ये भी एक तरह से स्टोरेज टेक्निक है। और इसमें जैसे कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड की एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें कीबोर्ड में आप कितनी जल्दी जल्दी की प्रेस करते हो, टाइप कर रहे हो, तो लेकिन वो सारी चीजें, टाइपिंग स्पीड तेज होती है लेकिन आयो इतना तेज नहीं होता, यानी कि जो बसेस चल रही हैं वो इतनी तेज नहीं होती। तो होता क्या है, वो ज्यादातर वो जो ज्यादा स्पीड से जो लेटर्स आ रहे होते हैं उनको बफर कर दिया जाता है, उनको बफर कर दिया जाता है। और वो बफरिंग ज़ाहिर है हार्ड डिस्क पे नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे बफर्स जो है वो टेम्पररी स्टोरेज एरियाज होते हैं, तो बीच बीच में लगा दिए जाते हैं आईसीज की सूरत में, और वो बफरिंग होती है ताकि वो करेक्टर्स थोड़ी देर के अंदर फिर आपके सामने नजर आ जाते हैं। तो होता क्या है कि जब आयो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, आयो का मतलब क्या है, इनपुट दी जा रही है या आउटपुट कंप्यूटर से आ रही है, इसको कहते हैं आयो। तो आयो ऑपरेशन जब परफॉर्म हो रहे होते हैं तो अगर थोड़ा सा स्पीडी हो जाए काम, तो बीच में बफरिंग हो जाती है, बफरिंग के जरिए से स्टोरेज हो जाती है ताकि जो चीजें हैं वो वेस्ट ना हो, तो उसको कहते हैं हम बफरिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों काम कर रहा होता है, स्पूलिंग का काम भी कर रहा होता है और बफरिंग का काम भी कर रहा होता है। स्पूलिंग के अंदर जो चीजें सेव हो रही होती है वो हार्ड डिस्क में, मल्टीपल जॉब्स आई हार्ड डिस्क में सेव होंगी, और हार्ड डिस्क के अंदर जो एक एक करके उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, जबकि बफरिंग में हार्ड डिस्क में सेव नहीं होता। आईओ डिवाइसेस के ऊपर जो रिक्वेस्ट आ रही होती है वो बीच में जो आईसीज लगी होती है उन्हीं में बफरिंग हो जाती है। जैसे कीबोर्ड से आप जल्दी जल्दी की प्रेस कर रहे हैं, या कोई साउंड आप कुछ आप बोल रहे हैं और साउंड में कुछ चीजें जा रही हैं, तो बीच में अगर थोड़ा डिले आ जाए तो वो बफर हो जाता है, और वो बफर करके फिर वो आगे जो है उसको पास कर देता है, उसको कहते हैं बफरिंग। तो ये दोनों काम जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हो रहे होते हैं, स्पूलिंग भी हो रही होती है और बफरिंग भी हो रही होती है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन है, इसको देख लें आप। ये तो मैं बताया सॉफ्टवेयर की दो मेजर कैटेगरीज, ये अभी हमने पढ़ ली थी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये हमने पढ़ लिया था पिछली लेक्चर्स के अंदर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी दो यूटिलिटी, कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम का मैंने आपको बता दिया जो, तो इसी आज ही के लेक्चर में, कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन से होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी दो हिस्से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी दो पार्ट्स में तकसीम, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, एक यूजर इंटरफेस और एक कर्नल। अच्छा, यूजर इंटरफेस क्या है? जो इंटरफेस आपके सामने आ रहा होता है उसको हम शेल भी कहते हैं, शेल, शेल भी कहते हैं, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस ही होता है, विंडोज का यूजर इंटरफेस आपके सामने आता है, इसमें स्टार्ट मेन्यू है और डेस्कटॉप पे सब चीजें आ रही होती है, वो यूजर इंटरफेस है। तो यूजर इंटरफेस के जरिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हो ना, यूजर इंटरफेस के जरिए। और अगर वो ग्राफिकल है विंडोज की सूरत में तो हम कहेंगे जीयूआई इंटरफेस, तो यूजर इंटरफेस हम कहेंगे जीयूआई है। अगर वो कमांड लाइन है, कमांड लिख के आप उसको चलाते हो तो सीएलआई इंटरफेस कहलाता है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी हो सकता है, कमांड लाइन इंटरफेस भी हो सकता है, तो ये यूजर इंटरफेस कहलाता है, जिसको हम शेल भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शेल को बदल दिया जाता है। अच्छा, पहले कर्नल समझ लेते हैं, फिर आपको दोबारा बताता हूँ इसके बारे में। कर्नल क्या होता है?
कर्नल वो प्रोग्राम है जो कि इनसाइड, जो कि फंक्शनल फंक्शनल प्रोग्राम है जो कि इंटरनली काम कर रहा है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनली जो काम कर रहा होता है वो कर्नल है। ये नजर तो नहीं आ रहा होता हमें, नजर तो हमें यूजर इंटरफेस आएगा, लेकिन कर्नल एक्चुअली वो सारे प्रोसेसेस जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो उन सारे प्रोसेसेस को मिला के कहते हैं कि वो सारे के कर्नल में काम कर रहे हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है। कर्नल का मतलब क्या है कि वो हिडन पार्ट है, छुपा हुआ पार्ट है, जो नजर तो नहीं आ रहा लेकिन वो सारा काम इंटरनली हो रहा है। तो दो तरह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं कि उसका यूजर इंटरफेस है जो कि नजर आ रहा है, जिसके जरिए से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक वो पार्ट जो हमें नजर नहीं आ रहा इंटरनली, जो बैक एंड के ऊपर सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं कर्नल। जैसे आप शेल के आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूजर इंटरफेस है ना, मैंने आपको बताया यूजर इंटरफेस चेंज हो सकता है। जैसे आप लिनक्स की एग्जांपल अगर हम लें, लिनक्स में यही होता है। तो लिनक्स में होता है क्या है कि वो अपना शेल तब्दील करते रहते हैं। लिनक्स के आप बहुत सारे वर्जन देखोगे, एक है रेड हार्ट लिनक्स, रेड हैट लिनक्स के नाम से मशहूर है, ठीक है। एक वर्जन है सुसे लिनक्स, और एक वर्जन अलग है इसका, एक जो है जो बहुत ज्यादा मशहूर है यूबंटू लिनक्स। और भी बहुत सारे लिनक्स के, तो बहुत सारे। तो होता क्या है, उन सबको हम लिनक्स क्यों कह रहे हैं? सबको लिनक्स इसलिए कह रहे हैं कि यूबंटू ने अपना यूजर इंटरफेस बनाया, अपना शेल बनाया, रेड हार्ट वालों ने अपना शेल बनाया। ये यूजर इंटरफेस डिफरेंट है, सबके यूजर इंटरफेस डिफरेंट है, सबका शेल डिफरेंट है, लेकिन सबका जो बैकएंड है कर्नल सबका सेम है। लिनक्स यानी कि जो इंटरनल फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो सबका सेम है, उनका कर्नल सेम है, उनका इंटरनल प्रोसेस जो चल रहा है, बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है, वो सबके सेम है। तो हम कहते हैं ये है कि लिनक्स का कर्नल सेम है, लेकिन लिनक्स का शेल जो है वो डिफरेंट है, यानी कि उसका यूजर इंटरफेस डिफरेंट है, जिसकी वजह से लिनक्स के मुख्तलिफ वर्जन बनाए गए। तो ये आपको मेरे ख्याल में फर्क समझ में आ गया होगा कि यूजर इंटरफेस या शेल और कर्नल में फर्क क्या है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के दोनों पार्ट्स होते हैं, जो यूजर इंटरफेस होता है वो यूजर इंटरेक्शन के लिए होता है, जबकि जो कर्नल होता है ये बैकग्राउंड कनेक्शन के लिए जो है वो होता है। लिनक्स कर्नल नहीं है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक शेल। शेल के अंदर क्या है कि उन्होंने यूजर इंटरफेस चेंज कर दिया है, एक का नाम रख दिया यूबंटू, एक का नाम रख दिया रेड हैट, एक का नाम रख दिया, यानी कि यूजर इंटरफेस चेंज है, लेकिन बैक एंड के ऊपर जो सबके फोल्डर्स हैं, सबकी फाइल्स हैं, वो सेम है, वो कर्नल है, ठीक है। तो लिनक्स के अंदर दोनों चीजें हैं, यूजर इंटरफेस भी है, शेल भी है और कर्नल भी है। कर्नल उसके बैकग्राउंड की चीजें और फोरग्राउंड के अंदर जो है वो चीजें हैं, वो जो है वो उसका यूजर इंटरफेस है। तो यहां पर यही देखें, आपको कर्नल दिखाया गया है, तो ये यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस के जरिए से यहां पर यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, यूजर इस एरिया पे इंटरेक्ट कर रहा होता है, ये एरिया जो है वो यूजर इंटरफेस कहलाता है, यूजर इंटरफेस या शेयर। जो बाहर का आउटर ब्लू लाइन है, ये दिखाया है कि ये वो एरिया है जिसपे यूजर जो है इंटरेक्ट कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और ये वो एरिया है कर्नल, जो बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहे हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चल रहे हैं बैकग्राउंड प्रोसेसेस, जो कि हमें नजर नहीं आ रहे हैं, वो कर्नल है। और कर्नल से आप देखो यूजर इंटरेक्ट नहीं कर रहा, कर्नल से यूजर इंटरेक्ट नहीं कर रहा, यूजर इंटरेक्ट कर रहा है यूजर इंटरफेस से। कर्नल जो है वो इनसाइड दी ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल कोर पार्ट होता है, जहां पर एक्चुअली उसकी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें रखी हुई हैं जो बैकग्राउंड में चल रही होती है। साकिब आना चाह रहे हैं, साकिब अली 1003 1003। यस सर, राइट। अच्छा जी, मेमोरी मैनेजर, तो होता क्या है कि मेमोरी मैनेजर भी यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। मेमोरी मैनेजर होता है
जो कि कर्नल को भी मैनेज कर रहा होता है और बहुत सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है, विच इज चार्ज विद द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द मशीन यूज ऑफ मेन मेमोरी। तो जो मेन मेमोरी के अंदर मुख्तलिफ टास्क रखे हुए हैं, तो जाहिर है मेमोरी मैनेजर उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी मैनेजर के जरिए से बहुत सारी चीजों को हैंडल कर रहा होता है। अब जैसे कि टास्क ऑफ द मेमोरी मैनेजर इज कॉम्प्लिकेटेड, अच्छा यहाँ पर लिखा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि आपको पता है ना रैम तो आपकी जो है वो महदूद है। अगर हम रैम की बात करें तो रैम तो आपकी लिमिटेड होती है, रैम तो आपकी लिमिटेड होती है, और रैम किसी वक्त जाके फुल हो जाती है। ठीक है, फुल हो गई रैम, लेकिन आपको मजीद और प्रोग्राम जो है वो, जैसे 1 GB की रैम थी, अब 1 GB की रैम थी और ये 1 GB की रैम में बहुत सारे प्रोग्राम आपने ओपन कर लिए और ये फुल हो चुकी है, अब इसमें गुंजाइश रही नहीं है। लेकिन आप मजीद जो है आप चाह रहे हैं कि और प्रोग्राम जो है वो भी एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो रैम में तो वो हो नहीं सकते क्योंकि रैम तो फुल हो गई। तो अब क्या करें, अब क्या करें? तो उस सूरत में होता क्या है कि अगर रैम में जगह नहीं है तो उस सूरत में करते क्या है कि हार्ड डिस्क के ऊपर, ये आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के ऊपर एक पोर्शन जो है वो एक असाइन कर देते हैं कि हार्ड डिस्क का ये पोर्शन, वो कुछ भी हो सकता है, 1 GB का हो, 2 GB का हो, जितने का भी हो, वो पोर्शन आप असाइन कर लेते हो कि वो एज अ वर्चुअल मेमोरी काम करेगा। ठीक है, ये तो आपकी फिजिकल मेमोरी है रैम जिसपे एक्चुअली चीजें सारी चल रही हैं, लेकिन जब ये फुल हो जाएगी तो हार्ड डिस्क का एक पोर्शन उसको रैम से, उसका रैम का काम उससे लिया जाएगा, उसको हम कहेंगे वर्चुअल मेमोरी। तो होगा क्या कि जो जो प्रोग्राम आप लोड करते जा रहे हो, लेकिन तो होगा क्या कि इस रैम के अंदर जो प्रोग्राम रखे हुए हैं प्रीवियसली, जो भी प्रोग्राम इस रैम के अंदर रखे हुए हैं, वो सारे प्रोग्राम जो है एक्चुअली उठ के वो कहाँ आएंगे, जो पुराने प्रोग्राम है वो इस वर्चुअल मेमोरी चले जाएंगे, जो काफी देर से यूज नहीं हुए। अभी फॉर एग्जाम्पल ये यूज हो रहे हैं प्रोग्राम, ये चल रहे हैं और ये थोड़ी देर से चल नहीं रहे, जैसे वर्ड की फाइलें थी जिसपे अभी आपने काम थोड़ी देर के लिए रोक दिया। ठीक है, कुछ वर्ड की फाइलें थी, कुछ एक्सेल की फाइलें थी, जो थोड़ी देर के लिए आपने काम रोक दिया। अब ये जो फाइलें जिनके लिए थोड़ी देर के लिए आपने काम रोका हुआ है, ये प्रोसेस कहाँ चले जाएंगे, ये वर्चुअल मेमोरी में चले जाएंगे। तो होगा क्या कि जब आप इस वक्त दूसरे प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन जब आप थोड़ी देर बाद दोबारा वर्ड पे काम करना चाहोगे तो जाहिर है ये चीज तो होगी नहीं रैम में, ये तो आपने वर्चुअल रैम में रख दी। लेकिन जब आप इसको, जब इस पे काम करना चाहोगे तो फौरन क्या होगा, ये चीजें वापस वर्चुअल मेमोरी से उठ के दोबारा से रैम में आ जाएंगी। इकराम अब्दुल्ला आना चाह रहे हैं, 1128, 1128। यस सर, बस ये चेक कर लेना कोई इकराम अब्दुल्ला दो तो नहीं हो गए। हाँ सही है, जरा सा भी हसनात कोई हो मसला तो मुझे बता देना। तो ये जो है वो रैम और हार्ड ड्राइव के जरिए से जो है ना वो मेमोरी मैनेजमेंट, इसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, कि देखो रैम फुल हो गई, कभी आपके सामने मैसेज नहीं आता रैम फुल हो गई, अब आप मजीद प्रोग्राम नहीं चलाते चला सकते, कभी आपके सामने मैसेज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जब रैम फुल हो जाती है तो हार्ड डिस्क के अंदर जो हार्ड डिस्क के एक पोर्शन को वर्चुअल मेमोरी बना के उससे रैम का काम लिया जाता है। लेकिन होता यही है कि जाहिर है कि जो पुराने पेजेस होते हैं, होता क्या है कि रैम के अंदर जो चीजें सेव हो रही होती है ना वो पेज वाइज सेव हो रही है। एक पेज होता है, पेज का मतलब है 64 KB, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये 64 KB का पेज रैम के अंदर स्टोर हो रहा होता है, सारी चीजें यहीं स्टोर हो रही हैं। जब ये रैम फुल हो जाती है तो अब ये पेजेस मजीद जाहिर है आ नहीं सकते, तो पुराने पेजेस को उठा के वर्चुअल मेमोरी में रख दिया जाता है। और वर्चुअल मेमोरी से जो है अगर, और जब उन पेजेस की दोबारा जरूरत पड़ती है तो उन पेजेस को दोबारा से वर्चुअल मेमोरी से उठा के रैम में दाखिल कर दिया जाता है। तो ये चीज जो है ना मेमोरी मैनेजमेंट से मुताल्लिक थी, और इसमें आपको वर्चुअल मेमोरी का काम समझ में आया होगा कि वर्चुअल मेमोरी जो है ना वो किस तरह से हार्ड डिस्क के अंदर एक वर्चुअल रैम बना के उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे क्या फायदा हुआ, इन दिस केस द मेमोरी मैनेजर में क्रिएट द इल्यूजन ऑफ एडिशनल मेमोरी,
यानी कि एडिशनल मेमोरी का इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, हार्ड डिस्क पे एडिशनल मेमोरी बन जाती है बाय रोटेटिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा बैक एंड फोर्थ बिटवीन द मेन मेमोरी एंड मास स्टोरेज। होता क्या है, हार्ड डिस्क से उठ के रैम में आता है, रैम से उठ के हार्ड डिस्क में आता है, ये डेटा आना जाना लगा रहता है और ये सारे के सारे पेजेस के जरिए होते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया पेज पेज वाइज होता है, इसलिए इस टेक्निक को हम पेजिंग का नाम देते हैं। पेजिंग वो टेक्निक है जिस टेक्निक के जरिए से जो है ना वो पेज जो है वो मेमोरी से बाहर जाते हैं वर्चुअल मेमोरी में, वर्चुअल मेमोरी से रैम में वापस आते हैं। अगर पेज रैम से वर्चुअल मेमोरी में जा रहे होते हैं हम कहते हैं उसको पेज आउट, और अगर हार्ड डिस्क से वापस रैम में आ रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं पेज इन। वर्चुअल मेमोरी से वापस रैम में आते हैं तो वो पेज इन हो रहे होते हैं, तो ओवरऑल प्रोसेस को कहते हैं पेजिंग। अब यहाँ पे एग्जांपल दी है, यहाँ पर ये एग्जांपल दी है, ये भी समझ लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल डेटा मेन मेमोरी ऑफ 8 GB इज रिक्वायर्ड बट द कंप्यूटर ओनली हैज 4 GB। मेन मेमोरी कितनी है, मतलब 8 GB चाहिए, 8 GB इज रिक्वायर्ड, 8 GB चाहिए, लेकिन कंप्यूटर में कितनी जीबी लगी हुई है, 4 GB लगी हुई है। कंप्यूटर ओनली हैज 4 GB, कंप्यूटर में 4 GB लगी लगी है लेकिन चाहिए हमें 8 GB क्योंकि प्रोग्राम बहुत सारे चलाने हैं। टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ द लार्जर मेमोरी स्पेस द मेमोरी मैनेजर रिजर्व्स 4 GB ऑफ स्टोरेज स्पेस ऑन अ मैग्नेट। होगा क्या कि बकाया जो बाकी की जो 4 GB है वो कहाँ पर स्टोर, उसकी स्टोरेज कहाँ होगी, वो मैग्नेटिक डिस्क पे, हार्ड डिस्क पे होगी, उसकी स्टोरेज जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर करेगा। देयर इज अ रिकॉर्ड द बिट पैटर्न डेट वुड बी स्टोर्ड इन मेन मेमोरी इफ मेन मेमोरी हैड एन एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ 8 GB। तो होगा क्या कि 8 GB की एक्चुअल जो है वो कैपेसिटी है, लेकिन वो कैपेसिटी जो है फुली यूटिलाइज कैसे होगी, जब आप हार्ड डिस्क के एक पोर्शन को जो है एज अ वर्चुअल मेमोरी जो है वो उसको कंसीडर, मतलब 4 GB को वर्चुअल मेमोरी कर लिया, 4 GB रैम, टोटल मिलके बन जाएगी 8 GB। This data is divided into uniform sized unit called pages. ये उसको जो डेटा सारा सेव हो रहा होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सारा का सारा डेटा सेव हो रहा होता है। अच्छा यार, जब सवाल लिखा हुआ है जगह तो नहीं है रैम में, वापस कैसे आएगा, इसलिए आएगा वापस कि जब आपने रैम से पेज निकाले भी तो है ना, रैम से पेज निकाल के वही आपने वर्चुअल मेमोरी में रखे तो जगह खाली हो गई, जब जगह खाली आ गई हो गई तो नया प्रोग्राम आ सकता है रैम में। यानी कि सवाल जो है मैं समझ गया आपका, तो आपका रैम है, रैम के अंदर प्रोसेस आ रहा है, जब फ्रेम फुल हो गई, लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर, अब हार्ड डिस्क के अंदर जो वर्चुअल मेमोरी बनी है तो उसमें कौन से पेज जाएंगे, पुराने वाले पेज उठ के चले जाएंगे, तो पुराने वाले पेज उठ के चले गए तो ये जगह तो खाली हो गई ना, ये जगह खाली हो गई तो अब नया प्रोग्राम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, तो पेजेस जो होते हैं वो कुछ केबी के होते हैं, मैंने आपको बताया 64 KB का एक पेज होता है, तो मेमोरी पूरी डिवाइडेड होती है, रैम पूरी डिवाइडेड होती है पेजेस के ऊपर, और एक पेज जो है 64 KB का होता है, और जब मेमोरी फुल हो जाती है तो ये पेजेस जो है पुराने पेजेस जो है रैम से निकल के वर्चुअल मेमोरी में जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, देन द मेमोरी मैनेजर शफल्स दीस पेजेस बैक एंड फोर्थ, ये पेजेस जो है मेमोरी से जाते भी हैं वर्चुअल मेमोरी में,
वर्चुअल मेमोरी से मेमोरी में वापस आते हैं, शफलिंग होती है पेजेस की, और इस तरह से जो है सारा मिलके काम हो रहा होता है। उससे होता क्या है, आपको एक तरह से 8 GB का जो काम था वो हो गया, रैम और वर्चुअल रैम मिला के 8 GB का काम हो गया, और एक तरह से फिक्शनल पार्ट जो मेमोरी, कुछ फिक्शनल मेमोरी बन गई जो कि वर्चुअल मेमोरी का, जिसको हम नाम दे रहे हैं, जो कि टेम्पररी मेमोरी बनी है और इसको यूज किया जा रहा है। देखो 8 GB की रिक्वायरमेंट है, 4 GB में रन नहीं हो सकता, लेकिन ये वो है जब एक ही प्रोग्राम हो, लेकिन अगर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं तो वो अलग अलग प्रोग्राम है, कोई 1 GB ले रहा है, कोई 2 GB ले रहा है, कोई जो है कुछ MB ले रहा है, तो वो सारे प्रोग्राम चल सकते हैं। और वो सारे प्रोग्राम कैसे चलेंगे, जब जो है ये सारी चीजें होंगी। अच्छा हसनात तुम मौजूद हो, हसनात ना चला गया था फिर। हाँ चले गए। हाँ अच्छा वो जो वही वही आना चाह रहे थे, उनको एडमिट कर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल मेमोरी और मेन मेमोरी कैसे मिलके, कि मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और जब ज़्यादा मेमोरी चाहिए और रैम में गुंजाइश नहीं है तो वर्चुअल मेमोरी मिलके, वर्चुअल मेमोरी और रैम मिलके वो चीज़ को पूरी कर देते कमी को, और वो काम हो सकता है। लेकिन जाहिर है वर्चुअल मेमोरी जो है ना वो स्लो होती है। वर्चुअल में देखो स्लो कैसे होती है वो बता दूं मैं आपको। जैसे देखो जाहिर है ये रैम है, अब रैम जो है फुल हो गई, फुल होने के बाद अब जाहिर है और प्रोग्राम आना चाह रहे हैं लेकिन जगह तो है नहीं, तो वर्चुअल मेमोरी के अंदर चीजें जा रही होती हैं। ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में वर्चुअल मेमोरी बनी है, यहाँ पर चीजें जाती हैं। अब यहाँ पर पेजेस जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से पेजेस आप भी जब जरूरत पड़ती है तो वापस भी आते हैं, तो इसमें टाइम जाया होता है, इसमें डिले आता है, डिले आता है, तो आपका आपको लगेगा कि परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड हो गई। यानी कि जब रैम फुल हो रुमेल को जाती है ऐड ना। कर अच्छा किसको ऐड करना है, उजैर को, उमेर, दे, उमेर। उमेर अली खान, सही है। तो रैम के ऊपर चीजें जो है जा भी रही होती है, रैम से वापस भी आ रही होती है, और ये जो है सारा काम जो है वो हो रहा होता है, ये मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा है, ये मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है। इसमें डिले आता है, पेजेस जो है नहीं रैम से निकल के वर्चुअल मेमोरी में जा रहे हैं या वर्चुअल मेमोरी से निकल के वापस रैम में आ रहे हैं, इसमें डिले आता है, तो हम कहते हैं परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई। होता यही है, आप देखो जब रैम फुल हो जाती है ना तो सिस्टम स्लो चलना शुरू हो जाता है। सिस्टम स्लो क्यों चल रहा होता है, क्योंकि फिर वो वर्चुअल मेमोरी बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, और इस वजह से जो है ना वो पेजेस का आना जाने में टाइम डिले आता है, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है काफी स्लो हो जाती है। तो रिकमेंडेड यही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा रैम लगाएं, 2 GB, 4 GB, 8 GB रैम ज्यादा लगाएं, तो ये जितनी ज्यादा रैम होगी जाहिर है उतने कम चांसेस होंगे उसके फुल होने में, और उतने कम चांसेस होंगे कि वो वर्चुअल मेमोरी यूज करे। वर्चुअल मेमोरी को यूज करना वो सिर्फ इमरजेंसी के तौर पर है, इसको रिकमेंड नहीं किया जाता कि वर्चुअल मेमोरी ही यूज की जाए, रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि इससे सिस्टम में डिले आ जाता है। तो रिकमेंड यही किया जाता है कि रैम ज्यादा से ज्यादा लगाए ताकि वर्चुअल मेमोरी पे जाने की नौबत ना आए। लेकिन वर्चुअल मेमोरी को एक तरह से इमरजेंसी के तौर पर रखा गया है कि ऐसा ना हो कि आपका प्रोग्राम चले ही नहीं, आपके सामने मैसेज आ जाए कि रैम फुल हो गई, प्रोग्राम नहीं चल सकता, ऐसा मैसेज आपके सामने नहीं आता, आपका प्रोग्राम थोड़ी हल्की स्पीड के साथ, थोड़ा डिले के साथ आपका प्रोग्राम चल जाता है। अच्छा जी, अब बूटिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बूटिंग का मतलब क्या है, ये सिस्टम बूट हो रहा होता है ना, जब तो सिस्टम बूट होने का मतलब क्या है कि जब सिस्टम आप स्टार्ट करते हो, पावर ऑन करते हो, उसको कहते हैं बूटिंग। ये आपको पता ही होगा बूट ऑपरेशन किसे कहते हैं, सिस्टम जब आप स्टार्ट करते हो, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो बूटिंग होती है। बूटिंग का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, तो यहाँ पर उसकी तफसीलात हैं वो देख लें। बूटिंग स्ट्रैपिंग, बूट स्ट्रैपिंग, बूटिंग को हम बूट स्ट्रैपिंग भी कहते हैं, ठीक है। बूट स्ट्रैपिंग ऑफन शॉर्ट एंड टू बूटिंग।
वो स्टेपिंग दैट इज परफॉर्म बाय कंप्यूटर इस टाइम इट इज टर्न ऑन. जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करेंगे कंप्यूटर को, तो बूटिंग परफॉर्म होगी. इन दिस प्रोसीजर दैट ट्रांसफर द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम मास स्टोरेज इनटू मेमोरी. तो होता क्या है उस वक्त बूटिंग के सूरत में, होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्ड डिस्क से उठ के मास स्टोरेज से उठ के कहाँ आ जाता है, मेन मेमोरी में, रैम में. ठीक है, तो बूटिंग का असल काम यही है कि आपका जाहिर है जब आप विंडोज शट डाउन कर देते हो तब तो विंडोज तब भी तो होती है, लेकिन कहाँ होती है, हार्ड डिस्क पे होती है, रैम में नहीं होती, क्योंकि सिस्टम आपने शट डाउन कर दिया है. अगली बार जब सिस्टम आप ऑन करोगे तो ऑन होते ही विंडोज सामने नहीं आती, बल्कि ऑन होते ही मुख्तलिफ चीजें चल रही होती हैं. उस ऑपरेशन को कहते हैं बूटिंग. और वो ऑपरेशन करता क्या है कि वो आपको, वो एक सॉफ्टवेयर चलता है, वो सॉफ्टवेयर करता क्या है कि आपका जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से उठा के, विंडोज को हार्ड डिस्क से उठा के रैम में लोड कर देता है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को. तो फिर आपके सामने विंडोज आ जाती है थोड़ी देर के बाद. उस प्रोसेस को कहते हैं हम बूटिंग. अच्छा, लेकिन जब आपने सिस्टम को ऑन किया उस वक्त तो जाहिर है रैम, जैसे ही आप सिस्टम शट डाउन करोगे, देखो आपने सिस्टम शट डाउन किया, ये आपका कंप्यूटर है, पीसी है, पीसी को आपने कर दिया शट डाउन. तो जब पीसी शट डाउन हो गया, जाहिर है ये रैम में ही चल रहे थे, जो कुछ था इसके रैम में था. अब आपने शट डाउन कर दिया तो रैम में भी जो कुछ था वो सब सारा सारा जो है वो खत्म हो जाएगा, सब फ्लश हो जाएगा, सब डिलीट हो जाएगा जो रैम में था, क्योंकि फिर पीसी शट डाउन हो गया. नेक्स्ट टाइम तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी, जाहिर है विंडोज भी यहाँ रखी थी, सब सब चीजें बंद हो जाएंगी. तो नेक्स्ट टाइम जब पीसी को आप ऑन करोगे तो रैम में कुछ भी नहीं होगा, रैम खाली होगी, रैम बिल्कुल खाली होगी, एम्प्टी होगी. तो उस वक्त होगा क्या कि एक सिस्टम पीसी के ऊपर एक चिप लगी होती है जिसको हम कहते हैं रोम. मदरबोर्ड पे सिस्टम के, पीसी है कंप्यूटर है, उसके मदरबोर्ड पे एक चिप लगी हुई होती है, उसको हम कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी. इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, बूट लोडर. वो करता क्या है बूट लोडर करता क्या है कि रैम से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाता है, सॉरी बूट लोडर करता क्या है कि हार्ड डिस्क में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ होता है. ठीक है, तो हार्ड डिस्क पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है, तो बूट लोडर करेगा क्या कि हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाएगा, विंडोज को उठाएगा, और उसको लोड कर देगा. कहां पे लोड कर देगा, रैम पे. तो हार्ड डिस्क से सिस्टम उठ के रैम पे आ जाएगा, ये काम रोम करेगी, रोम. ठीक है, रोम के अंदर एक सॉफ्टवेयर है बूट लोडर के नाम से, जिसका काम ही यही है कि जब सिस्टम को बूट किया जाए तो हार्ड डिस्क से विंडोज को, ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के रैम में लोड कर दिया जाए, और फिर कंट्रोल सारा फिर विंडोज के हवाले कर दिया जाए. तो इस तरीके से काम होता है. तो यहाँ पर आगे भी दिखाऊंगा, इसमें ये चीज बताई जाएगी. तो रोम का काम आपको समझ में आएगा. रोम का काम क्या है, रोम के अंदर एक चिप लगी हुई है मदरबोर्ड पे, और वो रीड ऑनली मेमोरी है, ये फ्लश नहीं होती. जब आप पीसी ऑफ कर देते हो, पीसी ऑफ करने के बाद भी रोम के अंदर डेटा रहता है, यानी कि उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो रहता है. और सॉफ्टवेयर का काम ही यही होता है कि जब सिस्टम को बूट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, तो विंडो जो हार्ड डिस्क से डेटा उठा के जो है वो कहाँ लोड कर दिया जाए, विंडोज उसके अंदर, रैम के अंदर, हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के रैम में लोड कर दिया जाए. और ये सॉफ्टवेयर जो रोम में रखा हुआ है उसका नाम होता है बूट लोडर. बूट लोडर ये काम करता है कि हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के रैम के ऊपर लोड कर देता है, तो विंडोज आपकी चल जाती है. द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द बूट लोडर एंड दस स्टार्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड बूटिंग द कंप्यूटर. उसी पूरे इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग. ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बूट करना, बूट करना मतलब क्या है, पीसी के ऑन होने से लेके विंडोज के आने तक जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं बूटिंग. इस डायग्राम से भी थोड़ी सी बात आपको यहाँ पर समझ में आएगी बूटिंग ऑपरेशन. तो ये आपका मेन मेमोरी है, ठीक है, और ये रोम भी है, रोम भी यूज हो रहा है साथ में, ये तो हार्ड डिस्क के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर ही है. इसके अंदर रखा हुआ है बूट लोडर. बूट लोडर का मतलब क्या है कि वो जो बूट लोडर का सॉफ्टवेयर है वो उसमें इंस्टॉल है. और ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, रैम, रैम आपकी ये रही है असल में. तो बूट लोडर के जब आप स्टार्ट करोगे, पहले स्टेप के ऊपर क्या हुआ, बूट लोडर चलेगा. ये तो रैम में तो कुछ भी नहीं होगा. जब सिस्टम आपने ऑन किया, पहले स्टेप पे होगा ये कि बूट लोडर अपना काम शुरू करेगा. और ये हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के ऊपर क्या रखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है. तो पहले स्टेप के ऊपर करेगा कि बूट लोडर यहाँ जाएगा,
हार्ड डिस्क पे और वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर आएगा। ये देखो दूसरे स्टेप में दिखा रहा है कि बूट लोडर ने काम क्या किया कि यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाया, हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रखा हुआ है, हार्ड डिस्क पर रखा हुआ है, हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाया और उसको कहाँ लोड कर दिया, वॉलेटाइल मेमोरी में, रैम में, रैम में लोड हो गया। अब रैम में ऑपरेटिंग विंडोज आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, अब बूट लोडर का काम खत्म। ठीक है, बूट लोडर का काम यही होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कर दिया जाए और उसके हवाले सारा कंट्रोल कर दिया जाए। तो ये काम होता है बूटिंग प्रोसेस, इसको कहते हैं बूट लोडर का काम। ये तो मेरे ख्याल में सर समझ आया होगा, ये समझ में सारी चीज। क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं फाइनल पेपर के हवाले से तो वो बाद में कर लेंगे। अच्छा, अम्माद आना चाह रहे हैं, अम्माद 11096, अगर ये पहले से मौजूद नहीं है तो इनको एंटर करें। यस सर। साकेब अली 1003, 1000 3, अगर ये पहले से मौजूद नहीं हो तो। नहीं सर, ऐड कर दे आप। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके अंदर बूटिंग प्रोसेस में? क्लियर है। अच्छा, ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है तो मैं दोबारा से कनेक्ट करूंगा, दोबारा से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा।